Now, in this lecture, I will explain the graph traversing algorithm, that is a depth first search algorithm. So here we understand the concept of how we can traverse a nonlinear data structure. So for graph traversing means visiting each and every node at least once. So there are two popular techniques for systematically traversing the vertices of graph. The first one is a depth first search technique. Now, the main logic of depth first search algorithm is similar to pre-order traversal of a tree. So it means we traverse a graph depth wise. So first we start from a starting vertex. Now after that, we take all the neighbors and choose any one neighbors. Okay, now after that traverse that neighbor. Now after that we will consider all the adjacent of that neighbor. Okay, now pick any one of them and traverse that node, and process will be continue. So it means हमारा जो traversing जो है वो depth wise हो रहा है, हम graph की depth में जाते हैं जब तक के प्रोसेस हमारा एंड नहीं होता. नाउ वेन एवर एंड इज रीच्ड, सो वी विल गो बैक, बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन पीछे नोट का जो भी अवेलेबल हमारा नेबरिंग एलिमेंट था उसको हम ट्रेवर्स करेंगे इफ इट इज अवेलेबल, अदरवाइज हम बैक ट्रैकिंग करते हुए सारे नोट्स को फिर विजिट करते हैं. नाउ इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च टेक्निक, सो हियर वी ट्रेवर्स all the nodes in layer wise. So start hum ek node se karenge, that is the starting vertex. Uske baad uske jitne bhi neighboring elements hain unko hum visit karenge, okay, layer wise. Aur after that neighboring elements ke bhi jo adjacent hain next generation ke nodes unko traverse karenge. So this is the concept of breadth first search traversing technique. Now today I'm going to discuss depth first search technique. So whenever we execute algorithm of DFS, so we will use a data structure stack. यहाँ पे हम एक data structure stack का use करेंगे और each and every node of a graph there are three status. ओके, हम एक फ्लैग वैल्यू यहाँ पे जनरेट करेंगे. सो देयर आर थ्री फ्लैग वैल्यू. द फर्स्ट वन इज स्टेटस इज इक्वल टू वन, इट मींस रेडी स्टेट. सो ऑल द नोड्स इन ए ग्राफ आर रेडी टू विजिट. सेकेंड स्टेटस इज वेटिंग स्टेट. सो फ्लैग वैल्यू इज टू, इट मींस नोड्स विद इन द स्टैक एंड वेटिंग फॉर विजिट. ओके, स्टैक में है और अपने विजिट होने का वेट कर रहा है. ओके, नाउ द थर्ड स्टेटस इज थ्री. नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड द विजिटेड स्टेट, या वी कैन से दैट ए प्रोसेस्ड स्टेट. सो नोड पॉप्ड फ्रॉम स्टैक हैज विजिटेड. सो यहाँ पे तीन स्टेट रहेंगे. सबसे पहले रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट के बाद में वेटिंग स्टेट में, स्टैक के अंदर नोड अगर रहता है तो अपने विजिट होने का वेट कर रहा है. और आफ्टर दैट स्टैक से अगर पॉप्ड होता है तो इट मींस अ विजिटेड स्टेट, हम उसको वहां पे प्रिंट कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं. नाउ डीएफएस एल्गोरिथम, द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएफएस एल्गोरिथम, फर्स्ट वी विल क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक एंड इनिशियलाइज ऑल वर्टिसेस टू रेडी स्टेट बाय सेटिंग स्टेटस इज इक्वल टू वन. आपके ग्राफ के जितने भी वर्टिसेस हैं उसमें हम एक फ्लैग जनरेट कर देंगे एंड द फ्लैग वैल्यू इज वन, इट मींस ऑल नोड्स आर रेडी टू वेटिंग, रेडी टू विजिट. नाउ इन स्टेप नंबर टू वी विल चूज द स्टार्टिंग वर्टेक्स. सो दैट वर्टेक्स उसको हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे. सो पुश द स्टार्टिंग वर्टेक्स ऑन टू स्टैक एंड चेंज इट्स स्टेटस टू द वेटिंग स्टेट by setting status is equal to 2. Flag value को 2 के साथ में सेट कर देंगे.
कहां पे पुश करना है हमें, स्टैक के अंदर उसको हम पुश कर देंगे. नाउ इन स्टेप नंबर थ्री रिपीट नेक्स्ट स्टेप फोर एंड फाइव अंटिल स्टैक इज एम्प्टी. नाउ इन स्टेप नंबर फोर पॉप द टॉप नोड फ्रॉम द स्टैक. आफ्टर दैट दैट नोड इज विजिटेड एंड चेंज द स्टेटस टू विजिटेड स्टेट प्रोसेस स्टेट बाई सेटिंग द फ्लैग वैल्यू बाई थ्री. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट इन स्टेप नंबर फाइव जो भी अभी हमने यहां से पॉप किया था वर्टेक्स, उस वर्टेक्स के जितने भी नेबरिंग एलिमेंट्स हैं उन सबको हम स्टैक के अंदर पुश करना है. सो पुश ऑन टू स्टैक ऑल द नेबर्स ऑफ वी विच आर विच इज पॉप फ्रॉम हियर दैट आर स्टिल इन रेडी स्टेट. ओके, जिनका फ्लैग वैल्यू वन है. एंड चेंज देयर स्टेटस टू द वेटिंग स्टेट बाई सेटिंग स्टेटस इज इक्वल टू टू. फ्लैग वैल्यू को टू के साथ सेट करने के बाद चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. ये फाइव स्टेप्स. नाउ दिस इज अ ग्राफ, देयर आर एट वर्टिसेस. नाउ द फर्स्ट स्टेप क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक. ओके, एंड फ्लैग वैल्यू हम पूरे ग्राफ को विजिट होने के लिए रेडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैग वैल्यू. सो देयर आर एट फ्लैग्स और सबका वैल्यू वन है. सो ऑल वर्टिसेस ऑल नोड्स आर रेडी टू विजिट. नाउ लेट अस अज्यूम माय स्टार्टिंग वर्टेक्स इज वी वन. सो वी वन को हम यहां पर चूज करेंगे स्टार्टिंग वर्टेक्स और उसको स्टैक के अंदर पुश करेंगे. सो दिस इज रेडी टू गो इनटू दिस स्टैक. ओके, नाउ चेंज द स्टेटस बाय टू. सो इट मींस नाउ दिस नोड इज रेडी टू विजिट जो स्टैक के अंदर है. नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर फोर और फाइव हम एक लूप के अंदर डाले हैं. सो पॉप द टॉप नोड. सो टॉप नोड इज वी वन. ओके, नाउ विजिट यहां पे हमने इसको रेड कलर में चेंज कर दिया. नाउ चेंज द स्टेटस ऑफ दिस नोड बाय सेटिंग स्टेटस इज इक्वल टू थ्री. ओके, सो दिस इज स्टेप नंबर फोर. नाउ इन स्टेप नंबर फाइव पुश ऑन टू स्टैक ऑल द नेबर्स ऑफ वी. सो वी वन के जितने भी नेबरिंग एलिमेंट्स हैं, सो देयर आर टू नेबरिंग एलिमेंट्स. द फर्स्ट वन इज वी टू एंड अनदर वन इज वी थ्री. किसी भी ऑर्डर में आप डाल सकते हैं, सो डजंट मैटर. सो वी थ्री को हमने स्टैक के अंदर पुश किया, वी टू को हमने स्टैक के अंदर पुश किया और फ्लैग वैल्यू को हमने टू के साथ में सेट कर दिया. इट मीन्स वी टू एंड वी थ्री वेटिंग फॉर देयर विजिट. उनका विजिट होने का बारी है, उनको ट्रेवर्स होने का बारी है, राइट. So step number five is over. Okay. Now, but stack is not empty. तो हम दोबारा से step number four पे आएंगे. Pop the top element and the top element is right now V2. इसको हमने visit किया. Okay, V2 को. So it means हमने flag value को two की जगह पर three के साथ में set किया. Okay. Now after that हम push करेंगे all the neighboring element of V2 which are in ready state, जिनका one state में है, उनको हम stack के अंदर push करेंगे. So there are two vertices or neighboring element V4 and V5. Now one by one करके हम इसको push कर रहे हैं यहाँ पर stack में. Flag value 2. Now another V4 and the flag value is 2. Okay. So after that check stack is empty or not. No, my stack is not empty. Then come to step number 4, pop the top node, and the top node right now is v4. v4 ko pop kiya aur usko visit kiya aur uske flag value ko hum 2 ki jagah 3 ke sath set karenge. So now this node is visited. Aap dekh rahe honge graph jo hai wo visit ho raha hai. First v1 and then v2 and then v4. Hum graph ki depth ki taraf badh rahe hain. Now, after that, V4 के जितने भी नेबरिंग एलिमेंट्स हैं हम उन सबको स्टैक में पुश करेंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 5, सो ओनली वन एलिमेंट इज द नेबर, दैट इज ए V8. सो V8 को हम स्टैक में पुश करते हैं. नाउ
change the status from 1 to 2. Okay, it means ये nodes जो है अपने visit होने का wait कर रहा है stack के अंदर. Now check stack is empty or not. No, stack is not empty. So delete the topmost item from stack. So V8. So V8 आपका यहाँ पर इसको हमने visit किया, screen के ऊपर इसको display किया. Now flag value यहाँ पे हमने change किया 2/3. Okay. So after that, after V4, V8 node is visited. So depth wise visiting chal rahi hai. That's why the name is depth wise. Now check stack is empty or not. No, stack is not empty. So then delete the topmost element from stack. So right now V5 is popped and display and change the status of V5. क्योंकि हम इसके बैक ट्रैकिंग करेंगे तो इसका नेबरिंग एलिमेंट V4 का नहीं है, बट और बैक ट्रैकिंग करते हैं तो V2 का आपका नेबरिंग एलिमेंट है, दैट इज V5. सो V5 का फ्लैग हमने 3 के साथ में सेट किया. ओके, नाउ आफ्टर दैट चेक स्टैक इज एम्प्टी और नॉट. नो, स्टैक इज नॉट एम्प्टी. देन पॉप, सो V3 इज पॉप फ्रॉम स्टैक. उसको हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया, विजिट किया, प्रोसेस किया एंड चेंज द स्टेटस ऑफ V3. ओके, दिस वन बाय 3. सो यहाँ पे कोई नेबरिंग एलिमेंट है नहीं, ऑलरेडी ये विजिट हो चुका था V5 का जो नेबरिंग एलिमेंट है. सो बैक ट्रैकिंग की तो हमें V3 मिला. नाउ आफ्टर दैट, नाउ कम टू स्टेप नंबर 5. Push onto stack all the neighbors of V3. So V3 ke how many neighbors? There are 2 neighbors jo ke waiting state mein hain. Okay, flag value 1 hai. Inko hum push karenge stack mein. So V7, flag value 2. V6, flag value 2. Okay. Now check stack is empty or not. No, stack is not empty. Then once again pop the top element, that is V6. So V6 को हमने processed किया. Okay, flag value 3 set किया इसका यहाँ पर, right? Now after that, V6 के जो neighboring element हैं, हम उनको इसमें push करेंगे. But V6 का एक ही neighboring element है जो कि already visited है. So we can't do this. Now after that, check stack is empty or not. No, stack is not empty. Then pop the top node, that is a V7. Okay, इसको traverse किया, इसको visit किया, right? और यहाँ पर हमने flag value set किया 3 के साथ में, status is equal to 3. Okay, so after V6, V7 will be visited and push onto stack all the neighbors of V7. ठीक है, जो के ready state में है. तो अगर आप देखेंगे आप पुश नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेबर तो है बट वो उसका स्टेटस जो है वो चेंज हो चुका है, उसका फ्लैग वैल्यू जो है वो 3 है, नॉट 1. सो इन दिस वे हमारा जो ट्रेवर्सिंग का जो ऑर्डर आया, दैट इज V1, V2, V4, V8, आफ्टर दैट V5, V3. सो दिस इज द डेप्थ वाइज ट्रेवर्सिंग लाइक दिस. सबसे पहले हमने V1 को ट्रेवर्स किया था, नाउ V2, सो दिस इज डेप्थ. नाउ V4 अनदर डेप्थ. V8, now this is the totally depth of this graph. Now after that, no scope, आगे बढ़ने का कोई scope नहीं है. Then go back, कोई neighboring element, then go back. After that V5, and then go back V3, after that V6, and then go back and then V7. So this is the traversing order. Now, thank you so much. In next video, I will explain the breadth first search technique.